गोरी गोरी कुतिया के कारे कारे पिल्ला जी विचार करने लगे कि ये कैसे मेरे हाथ में आए। चले जब तैयार हुए तो चेला ने कहा बोलो दक्षिणा। कहीं दक्षिणा में हमें क्या दे सकते हो तुम? तो कहीं क्या लोगे? तो गुरुजी बोले, क्या बोले कि सुनो कि धन होय काला और चलने बिलने वाला और पौवा सिर दूध वाला। बहुत अच्छी बात। तो कही गुरुजी एक बात पूछे के पूछो। कह हम तो ना दे सकता, इधर बताइए ना सकता, हमारे पूरी बात समझ में नहीं आई, बल्कि अब हम पूछ लें सलाह कर लें, उसके बाद तुम्हें बताएंगे आगे। और जो घर पहुंचे आज वह पढ़ी लिखी लड़की समझदार कहने लगी बहुत अच्छी बात है। जाकर के पहुंचे कि ये बताओ कि गुरुजी जा रहे हैं दक्षिणा में, उन्हें कहा मांगो, उन्हें मांगो कहा कि धन होए कालो चलने फिरने वालो पौवा सिर दूध वालो। तो कहने लगी तुमने क्या कहा? कि हमने जे कहा है कि तुम बताएंगे पूछ करके। तो कही अब क्या करोगे? वो समझ गई कि जो दूध वाली जो भाई दे जाना है बच्चे, जाके क्या व्यवस्था करी जाए। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया एकदम, कही जाओ बता देना कि धन है काला और चलने भिलने वाला और पौवा आशेर दूध वाला भी लाओ बुला के। आज जब आंगन में पहुंचे क्या बताया? गोरी गोरी कुतिया के कारे कारे पिल्ला, गोरी गोरी कुतिया के कारे कारे पिल्ला, पिल्ला सो बापा मैं देखो दूध दे भाला, दूध खाए गुरु जी मजा लूटे केला। कहने लगी गुरुजी धन है काला चलने बिलने वाला पौवा सिर दूध वाला, लिए जाओ भाला घर लियो ताजो कहियो कहियो भाला। समझा करके बोली कि धन है काला पौवा सिर दूध वाला और गुरु जी लिए जाओ हमारे घर कर लिए बियानी। तो हाथ जोड़ लिए चल भाई। तो लोभी गुरु लालची चेला, और जिसके पास लालच हुआ तो भक्ति कई कारण है।